हेलो एवरीवन, आइए बात करते हैं एमोस की कुछ कैपेबिलिटीज के बारे में जिसके बारे में अक्सर बात नहीं की जाती। आप में से ज़्यादातर को आइडिया होगा कि जब भी हम काम करते हैं SPSS के अंदर या स्मार्ट PLS के अंदर, तो उसके अंदर हम रॉ डाटा को अटैच करते हैं, रॉ डाटा पे ही काम करते हैं। स्मार्ट PLS में भी, एमोस के अंदर भी हम यहाँ से रॉ डाटा को अटैच करते हैं, लेकिन एमोस उन कुछ सॉफ्टवेयर में है जो समरी डाटा पर भी काम करते हैं। इसका मतलब अगर आपके पास रॉ डाटा फाइल नहीं है, उनका ओवरऑल समरी डाटा है जैसे मीन, स्टैंडर्ड डेविएशन, कोरिलेशन, तो भी आप एमोस में काम कर सकते हैं। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। मेरे पास एक मॉडल है, इसमें चार कंस्ट्रक्ट्स हैं, क्वालिटी, बिहेवियर, इंटेंशन, सेटिस्फैक्शन एंड द लॉयल्टी। तो सबसे पहले मैं इसको रन करके देख लेता हूँ। सो आउटपुट में स्टैंडर्डाइज एंड रन। तो अगर इसके सारे रिलायबिलिटी वैलिडिटी ठीक आती है, मास्टर वैलिडिटी, तो हम इसको इम्प्यूट कर लेंगे, यानी इनका स्कोर निकाल लेंगे। ऑल इज गुड, तो इसको मैं कर लेता हूँ इम्प्यूट, और मैं अपने फैक्टर में पहले चेक भी कर लेता हूँ। मेरे पास एक ही फाइल है डेमो, यहाँ पे वर्किंग ऑन द समरी डाटा। तो अब मैं इसको कर लेता हूँ इम्प्यूट। इम्प्यूट करने से होगा ये कि मेरे पास जितने भी कंस्ट्रक्ट हैं यहाँ पे, उन सबका स्कोर आ जाएगा। सो चेक कर लीजिए, एक और फाइल आ गई डेमो अंडर स्कोर सी, इसको भी खोल के देख लेते हैं, ओपन विद दिस। तो ओनली डिफरेंसेस यहां पे हमारे पास स्कोर आ गए हैं इनके। नाउ अगर एक तो ये तरीका है कि मैं अब एक नई फाइल में चलता हूं यहां से न्यू, और इसमें बोलते हैं सेव कर लो, और नई फाइल में मैं डेमो अंडर स्कोर सी को अटैच कर लेता हूं। ओके, और एक मॉडल भी बना लेते हैं हम, तो सेटिस्फैक्शन, लॉयल्टी, बिहेवियर, इंटेंशन, क्वालिटी। तो जस्ट गिव मी अ मिनट, मैं अब देखते हुए जाए, सिलेक्ट ऑल, इन सब को मैंने रिसाइज कर दिया, अनसेलेक्ट, इससे मैं मूव कर देता हूँ। क्वालिटी लीड्स टू सेटिस्फैक्शन एंड विच लीड्स टू लॉयल्टी एज वेल एज बिहेवियर इंटेंशन। ये मेरा मॉडल है। तीन डिपेंडेंट वेरिएबल हैं, 1, 2, 3, और इनका इफेक्ट, इनको हम बाद में थोड़ा सा ठीक कर देंगे, क्लीन। अच्छा, इसमें एक मैजिक क्लीन भी है, मैं यूज़ करके देखूं, कभी मैंने किया नहीं है। ओके, मैजिक क्लीन इज अगेन ग्रेट। ये प्रोफेसर गेस्किन का है एक नेम, अनऑब्जर्व्ड वेरिएबल। सो अब इस मॉडल पे अगर मुझे काम करना है, तो हमें कैसे काम करना पड़ेगा कि बेसिकली मैं यहां से चारों को बनाता हूं, और क्योंकि ये चारों का स्कोर है, तो अब एमोस को दिक्कत नहीं होनी चाहिए काम करने में। तो लेट्स गो अहेड विद इट, रन, इसको सेव कर लेते हैं, वर्किंग ऑन दिस वन के नाम से। क्योंकि रॉ डाटा है तो इसके पास ओरिजिनल सारी कैलकुलेशंस आ गई हैं यहाँ पे, तो मैं इन कैलकुलेशंस को कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पेस्ट कर लेता हूँ, राइट। इससे मुझे याद रहेगा वैल्यूज। ये हुआ एक तरीका, और जो हम लगभग सभी यूज यही करते हैं कि हम एक फाइल को अटैच करते हैं जिसमें इनका स्कोर होता है और उसके ऊपर हम काम करते हैं। अब देखते हैं एमोस की एक और पावर। लेट्स अज्यूम मेरे पास ये स्कोर की समरी है, तो समरी कैसे होती है, मैं इन सब का कोरिलेशन निकाल लेता हूं। मुझे जो चाहिए, तीन चीज चाहिए मुझे, एक इन सब का कोरिलेशन, वो तो बाइवेरिएट से निकल ही जाएगा, एक मुझे इनका मीन स्टैंडर्ड डेविएशन भी चाहिए और एन भी चाहिए। नाउ इंटरेस्टिंगली कोरिलेशन निकालने पे हमारे पास ये तीनों चीजें आ जाती हैं। सो मेरे पास इन सब, अच्छा इसमें भी मैं मुझे सिर्फ लोअर ट्रायंगुलर चाहिए, तो इनको भी उड़ा देते हैं। तो मेरे पास अब ये समरी पूरा हो गया। मेरे पास हर एक का हर एक से कोरिलेशन है, मीन है, स्टैंडर्ड डेविएशन है, एन है। अब इस सब को मैं ले चलता हूं एक नए फॉर्मेट में। अब इस फॉर्मेट को देखिए, इस फॉर्मेट में सबसे पहले मैंने लिखा एन कोर, COR, ये कीवर्ड्स हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन, मीन। यहां पे मैंने, अच्छा पहले दो मेरे जो हैं वेरिएबल वो स्ट्रिंग है, इनमें नाम आएगा। इसके बाद मैंने लिखा लॉयल्टी, सेटिस्फैक्शन, इंटेंशन, क्वालिटी। तो देखिए ये जो था मेरा 1.759, 759, 575 एंड सो ऑन, ये मैंने यहाँ पेस्ट कर दिया 6 to 7। मीन जो है 0.827 एक्सेट्रा, वो यहाँ कर दिया थर्ड रो में।
स्टैंडर्ड डेविएशन 0.7766 ये यहां पेस्ट हो गया है और n टॉप पे चला गया है, राइट। मैंने इसको सेव कर दिया समरी डाटा के नाम से। फॉर्मेट आपको यही रखना है, इसमें आपको चेंज नहीं करने, और प्रेफरेबली मैं एडवाइज ये करूंगा कि इस वीडियो के नीचे आपको ये फाइल मिल जाएगी, इसी फाइल में अपने चेंज कर लीजिएगा, आप ये लिखिएगा मत, क्योंकि ये काफी प्रॉब्लम्स आती हैं, इसी फॉर्मेट में काम कीजिए। अब हम एक इसका मैजिक देखते हैं कि नाउ आई से मुझे चाहिए समरी डाटा। तो समरी डाटा में सबसे पहले तो ये चेक करें आपका यहां पे 100 आना चाहिए, ओके। हो सकता है आपका यहां पे एसपीएसएस के फाइल में कितनी है, 7 है ना यहां, तो लेकिन हम 7 नहीं 100 पे एन पे काम कर रहे हैं। अगर आपका ये 100 नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये आपका काम नहीं करेगा, ये फर्स्ट थिंग है। तो आपको ये सबसे पहले ये देख लीजिएगा कि जब आप इस समरी डाटा को सिलेक्ट करें यहां से, सो डाटा फाइल्स के अंदर मेरा समरी डाटा 100 आना चाहिए यहां पे, ठीक है, ओके। अब हम काम करते हैं नेक्स्ट पे, इनपुट मोड, ओके। अभी तो नया ही बनाना पड़ेगा डायग्राम, इसमें सिर्फ चार चीज हैं और इसमें मैंने जानबूझ के इसका नाम रखा है इंटेंट, ताकि मुझे याद रहे यहां लास्ट फाइल में था बिहेवियरल इंटेंशन बिहिंट था, यहां है इंटेंट। सो क्वालिटी, ओके, सो मुझे एक बारी इनपुट मोड में प्रीवियस वैल्यूज क्यों इसको याद हैं, प्रीवियस वैल्यूज पे डाटा मैंने समरी डाटा चेंज कर दिया है और ये मुझे हटाना है, जस्ट गिव मी मिनट, ओके। मैंने इनपुट मोड को एक्टिवेट कर लिया है और अब मैंने इन चारों को ओवरराइट कर दिया है, यानी लॉयल्टी इधर, सेटिस्फैक्शन, इंटेंशन एंड क्वालिटी, इन चारों को मैंने ओवरराइट कर दिया है, और स्टैंडर्डाइज एस्टिमेट्स के एंड रन। तो रन करने पे ये मेरे पास आ गया है नए वाला डाटा, सो लेट मी कॉपी दिस ऑल्सो इन एमएस वर्ड, सॉरी नेक्स्ट में जाएगा ये, और अब हम दोनों को एक बारी कंपेयर कर लेते हैं, वैल्यूज सेम आ रही है क्या, ये देखिए 0.4545 3839, ओके, 5555 62 62 0.1212 0.36 65%, ये मीन है ऊपर, ओके। सो इसका मतलब ये एक शानदार चीज हो गई कि अगर मेरे पास रॉ डाटा नहीं है, समरी डाटा है, तो भी हम काम कर सकते हैं। तो खैर इस बार तो मेरे पास रॉ फाइल थी तो मैंने समरी निकाल लिया, लेकिन ये कई जगह पे आगे जब हम काम करेंगे तो हमारे पास ऐसा ही होगा कि समरी डाटा है, यानी किसी और का काम है, मेरे पास R का पूरा मैट्रिक्स गिवन है ये, और N तो गिवन ही होता है, और मीन स्टैंडर्ड डेविएशन अगर गिवन है, हम इससे भी MOS में काम कर सकते हैं और एग्जैक्टली सेम वैल्यूज आती है। सो दिस इज वन ऑफ रिमार्केबल फीचर ऑफ MOS। होप यू लाइक इट, लेट्स स्टॉप हियर, थैंक यू।